अब ये न्यूज इतनी बड़ी थी इसलिए इसका दोबारे से एक विश्लेषण हुआ और ये आज न्यूज में देखने को मिला, यानी आज 19 तारीख है और उसमें देखने को मिला कि कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो न्यूज होती है सर, पल भर में ही होल चेंज कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर सिक्स और आज बात करेंगे सर IRCTC की। सर IRCTC की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले आपको देखने को मिला कि अडानी इंटरप्राइजेज ने कंपनी का पूर्णतया अधिग्रहण करने का जो फैसला लिया है और उसकी वजह से वो टिकट ऑनलाइन बुक किया करेगा। अब ये न्यूज से IRCTC पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, वैसे मैंने आपके लिए सार्थक बाजार से एक चैनल पर ये चीज़ बताई थी कि वो अपने विस्तार को वंदे भारत ट्रेन हो गया या बुलेट ट्रेन हो गया, अभी तो वंदे भारत ट्रेन चली है और जिस तरीके से अन्य ट्रेन भी चल रही है उसकी जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग है वो एक कंपनी का जो अधिग्रहण कर रहा है उसके द्वारा करेगा, क्योंकि अडानी जी एक बिजनेसमैन है और वो देख रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन का कितना क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, उसका टिकट भी सर महंगा ही होगा। तो इसी के तहत ही उन्होंने अपनी एक अभिलाषा को देखा कि भाई बड़ा स्कोप है और इस स्कोप के तहत उन्होंने एक कंपनी का अधिग्रहण करने का जो उनकी कंपनी ने मन बनाया वो सीधा सीधा एक चीज़ दर्शा रहा था कि भाई IRCTC का फिर क्या होने वाला है। मैंने अपनी वीडियो में IRCTC का उस दिन कोई भी जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि बिना न्यूज़ के कुछ बताना वो संभव अच्छा नहीं है। लेकिन कल एक न्यूज़ जो निकल कर आई थी उसके अंदर ये चीज़ थी कि भाई क्या अडानी ग्रुप जो है एकाधिकार जिस तरीके से IRCTC मोनोपोली बनी पड़ी है उसको चुनौती देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके की एक न्यूज़ थी। फिर इसके जो व्यू बने कि भाई जब न्यूज में आया तो कहीं ना कहीं ये IRCTC को थोड़ा सा निगेटिव दर्शा रहा है, इस तरीके की एक वीडियो मैंने कल आपको बनाई थी। पर जिस तरीके से फिर विपक्ष से भी हमले हुए, भाई ये क्या हो रहा है, जिस तरीके से पहले LIC का जो पैसा अडानी के शेयरों में लगा था, कंपनियों में लगा था, पर उसी तरीके से फिर दोबारा से एक चीज़ आई कि भाई IRCTC का बिजनेस भी कहीं फीका ना पड़ जाए। तो ये एक चीज़ निकल कर सामने आई है कि इसकी वजह से जो ये काम कर रहे हैं IRCTC के एकाधिकार यानी मोनोपोली को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये न्यूज़ इतनी बड़ी थी इसलिए इसका दोबारे से एक विश्लेषण हुआ और ये आज न्यूज़ में देखने को मिला, यानी आज 19 तारीख है और उसमें देखने को मिला कि कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो न्यूज होती है सर, पल भर में ही माहौल चेंज कर देती है, समझ लेना, पल भर में माहौल चेंज करेगी। IRCTC एक ऑनलाइन बुकिंग टिकट करता है और वो अन्य को भी अधिकृत करता है, इससे कई अन्य कंपनियों को IRCTC के थ्रू एक एजेंट के थ्रू उनको बनाया गया है और वो अपना टिकट बुक करता है, जैसे इज माई ट्रिप हो गया या फिर पेटीएम हो गया या अन्य कोई ऐप हो गए। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं एक चीज़ दर्शा रहा है, क्योंकि जिस कंपनी का अधिग्रहण करने वाली चीज़ें निकल कर उस कंपनी ने बताया है कि भाई इससे कोई भी फ़र्क IRCTC में नहीं पड़ेगा, वो जिस तरीके से टिकट बुक करते हैं उसमें जो भी कमीशन मिलती है वो उसमें निरंतर काम कर रहे हैं। और देखने को मिला है कि IRCTC जो है उसने ही उसको अधिकृत कर रखा है उस कंपनी को, तो ये हमें देखने को मिला है। ट्रेन मैन नाम का वो ऐप है तो वहाँ से भी एक चीज़ हो गई कि भाई जो IRCTC के बिजनेस को प्रॉब्लम होने वाली थी ये नहीं होगी, क्योंकि वो अपने दिशा पर अलग तरीके से काम कर रहे हैं जैसे अन्य काम कर रहे हैं। बल्कि लोगों के अंदर मन में ये जाता है कि भाई इतने बड़े इंसान ने यानी अडानी ग्रुप ने ये चीज़ों के लिए आगे की दिशा बनाई है और उनके पास पता ही है कि उनके पास पैसा भी काफ़ी है, तो ये चीज़ निगेटिव चीज़ दिख रही थी। और इसी की वजह से जो आज पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है कि भाई पेटीएम के पास भी इस तरीके की चीज़ें हैं, वो भी बुक करता है टिकट, तो यहाँ पर कुछ भी है मोनोपोली जो है IRCTC का वो गलत एकाधिकार बना रहेगा, क्योंकि कैटरिंग के साथ साथ ये ऑनलाइन टिकट बुक करता है या फिर जिस तरीके से रेल नील आता है या अलग तरीके के काम IRCTC करता है, निरंतर बना रहेगा। और इस न्यूज़ ने आज IRCTC के शेयरों को गिरने से बचा लिया। ध्यान रखना सर कि IRCTC बेस्ट शेयर है। मैंने आपके लिए इसी चैनल पर जब कहा था कि हम उलझ रहे हैं IRFC पे, RVNL पर, और उनसे बेहतर जो है IRCTC है, लेकिन जब इस तरीके की एक न्यूज़ निकल कर आएगी भाई एकाधिकार को चुनौतियाँ वाली, तो वहाँ सोचने पर मजबूर हो जाता है भाई कुछ निगेटिव तो होने वाला है। पर इस बात का कंपनी की तरफ से जिसको अधिग्रहण किया था उन्होंने कहा कि इस तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला है।
क्योंकि IEX जिस तरीके से गिरा है, मेरे पास 122-123 रुपए करीब के वो शेयर हैं। तो वहाँ पर भी जब न्यूज़ निकल कर आई थी कि जो काम IEX करता था अब वो ना करके सरकार एक अपनी कंपनी के द्वारा या किसी भी तरीके से वो चीज़ों का मूल्य का निर्धारित करेगी, तो वहाँ पर IEX गिर गया। तो ये न्यूज़ सब कुछ बदल देती है, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर IRCTC के लिए आ गई है। तो अपनी दृष्टि को न्यूज़ पर फोकस कीजिए। कुछ न्यूज़ आती हैं, तख्ता पलट देती हैं, फिर दोबारे कुछ न्यूज़ आकर उस तख्ते को सही कर देती हैं, तो ये निरंतर चलता रहेगा। और ऐसा, और ये आपको पता है कि न्यूज़ के बिना शेयरों में उतार चढ़ाव होना संभव नहीं होता, क्योंकि जब भी कुछ अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है शेयर तेज़ी के साथ, और बैड आती है शेयर तेज़ी के साथ गिर जाता है। तो सबसे पहले न्यूज़ पर फोकस कीजिए, और 2 दिन में ही न्यूज़ आपको देखने को मिली कि IRCTC का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो बेस्ट न्यूज़ निकल कर ये IRCTC के लिए आ गई है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने आपके लिए आर इंफ्रा और आपका आर पावर अलोक इंडस्ट्री पे वीडियो बनाई है। उस वीडियो को आज आपको समझना है, क्योंकि आर पावर फोकस में आ रहा है और आपका अलोक इंडस्ट्री भी फोकस में आ रहा है। और आपको देखने को मिला है कि रिलायंस इंफ्रा जो अनिल अंबानी जी की ही कंपनी है वो भी फोकस में आ रहा है। वो क्या काम करने चाह रहा है जिसकी वजह से उसको 2000 करोड़ रुपये मिलेंगे, और आर पावर ने जो अपना कर्ज निपटाया है वो किस लिए निपटाया है ये भी आज आपको देखने को मिलेगा। और अलोक इंडस्ट्री के बढ़ते कदम किस तरीके से बढ़ सकते हैं ये भी आज आपको मेरे दूसरे चैनल सार्थक बाजार से में देखने को मिलेगा। तो सर फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।